अरे वाह, आज मेरे बेटे को फुर्सत मिल गई अपनी मामा को गुड नाइट कहने की। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन में भी जब तुम नींद से जाग जाते थे ना, तो दोबारा से गुड नाइट करते थे। अरे अरे वाह, आपको तो मेरी हर बात याद है। तुम्हारी बातें याद नहीं रखूंगी तो मर जाऊंगी सलमान। मॉम, आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं। आई नो तुम ये बातें सुन के बेचैन हो जाते हो, लेकिन याद है तुम्हें, मैं तुम्हें यकीन दिलाती थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने सलमान को छोड़ के। अरे मॉम, वो मैं आपसे कुछ पूछने आया था। हाँ पूछो। आपने अरू से कुछ कहा है? वो बहुत बुझी बुझी सी है। देखा तुमने, तुमने मेरी गलतफहमी फिर दूर कर दी। मैं समझी थी मेरा बेटा अपनी माँ को गुड नाइट करने आया, लेकिन नहीं, तुम तो किसी और की फिक्र में गिरफ्तार। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे ही बात करने आया था। मैं तो बस ये कह रहा था कि देखो सलमान, मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें बता रही हूं। मैंने आज तक अरूज को कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना वो लड़की जब से इस घर में आई है मेरे लिए हर बात पे मुश्किलात खड़ी कर रही है। कैसी मुश्किलात? यही यही क्या कम नहीं है कि इस वक्त भी तुम उसकी बातें कर रहे? मेरे बेटे के पास अपनी माँ से बात करने की फुर्सत नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ। अपना ख्याल रखें। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तुम्हारे इन आंसुओं से मुतासिर होने वाली नहीं। ये आंसू मैं आपके लिए नहीं बहा रही, अपने लिए बहा रही। फिर डायलॉग। मुझे तुम्हारे इस चेहरे के पीछे छुपी मासूमियत का अच्छी तरह पता है रुच। तो फिर मुझे भी सिखा देना ये सब कुछ, लोगों के चेहरे को कैसे पढ़ा जाता है। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ हाईवे पर मेरे एक दोस्त की आयादत के लिए गए थे। वापसी पर हमें झाड़ियों में से एक बच्ची की रोने की आवाज आई। हमने आसपास देखा, वहां कोई भी नहीं था। तुम्हारे अब्बू झाड़ियों की तरफ पड़े, इन्हें तुम वहां मिली। ये फौरन तुम्हें उठाकर
मेरे पास लेके आ गए। वहां तो बिलक बिलक के रो रही थी, मेरा तो कलेजा फट गया तुम्हें देख के। बेटा मैं तुम्हें गोद में लेकर आसपास के पूरे इलाके में फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी तुम्हें नहीं पहचाना। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की? मैं पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन वहां किसी बच्ची की भी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। हमें लगा कि तुम्हारी सूरत में कुदरत ने हमें तोहफा दे दिया। पच्चीस साल मैं ऐसे लोगों में पली बड़ी जो मेरे अपने थे ही नहीं। इस पूरी दुनिया में मैं तो अकेली रह गई हूं। नहीं, मैं ये सब कुछ कैसे सोच सकती हूं? अगर वो मेरे अपने नहीं थे तो मैं भी तो उनकी औलाद नहीं थी। अगर उन्होंने तो मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। जो कुछ भी हो, मुझे अपने अम्मी अबू को ढूंढना है। एक बार तो उनसे पूछना है कि क्यों मुझे खुद से अलग किया। अगर मैं खो गई थी तो मुझे ढूंढा क्यों नहीं? कैसी मां थी जिसने मुझे ढूंढा ही नहीं? आंटिया, तुम्हें तो ढूंढना भी एक अजाब है। आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? सही कह रही हो, मैं ये फजूल काम क्यों कर रही थी?